हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। एंड हाँ, आप वहीं पे आए हो जहाँ पे आप पढ़ने आते हो, बाकी हर जगह पे पढ़ने थोड़ी ना जाते हो। पढ़ना तो सिर्फ कहाँ पे होता है? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में होता है, ठीक है ना? हाँ, मिलिट्रलिज्म इन जापान। हाँ, मुझे याद है हम क्या क्या पढ़े थे। मेरे हिसाब से हम मूवमेंट टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड पढ़ रहे थे, नई दुनिया की शुरुआत हो रही थी, लेकिन उसके बीच में कुछ सियाप्पा हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, समझ रहे हो? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे रीजन्स हो सकते थे। उसमें फैसिज्म इन इटली था, नेजिज्म इन जर्मनी था, मिलिटरिज्म इन जापान था, जो था नहीं है क्योंकि हमें वो पढ़ना है। ग्लोबल डिप्रेशन था, मतलब पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली गई थी, सबको सुसाइड, ऐसा नहीं था बेटा, मंदी थी वो मैंने बताया था तुझे 1929-39 में। अब किसी को बताना मत। हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिटरिज्म, मिलिटरिज्म इन जापान। पहले बोलना सीख ले बेटा, बोलना सीख ले, उसके बाद में गणपति की आरती तो होती ही रहेगी, समझ रहे हो? गणपति वहीं पे हर साल 10 दिन आते हैं, नवरात्रि भी आएगी बेटा, लेकिन तकलीफ क्या हो जाती है? ऐसे गणपति मनाते मनाते हमें 50 साल हो जाते हैं, 50 साल में हम मर जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है, हमारा सपना सपना ही रहता है, कभी सिंगापुर जा नहीं सकते, समझ रहे हो? तो सपने पूरे करने हैं तो मेहनत कर, है ना? सिद्धि तेने जय वड़गे जय परसेवे नहाए, आज का थॉट है बेटा, है ना? सक्सेस बिलोंग्स टू दोस वो यूज टू स्नान करिंग इन पसीना, गॉट इट? આપણે અહીંયા લખી દઉં છું આજનો થોટ, સિદ્ધિ, અબ સિદ્ધિ ગુજરાતી મીડિયમમાં ઇતના લિખના નહીં આતા, યે સિદ્ધિ યે ગુજરાતી હૈ સર, લિખતે ક્યા હો? તેને જઈ વળગે, ભૂત નહીં વળગને કા હૈ, વળગે જે પર, સિદ્ધિ કોઈ ભૂત નહીં હૈ બેટા, સિદ્ધિ મતલબ સક્સેસ, જે પરસેવે નો હાયો, મતલબ જો પસીને સે સ્નાન કરતા હૈ વહી સક્સેસફુલ હોતા હૈ, बाकी तो एंजॉय तो पूरी दुनिया करती है। एक बार अगर आपको सक्सेसफुल होना है, दुनिया में आड़े ओढ़े लोगों से अपने आप को कुछ ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ऐसा समझना है कि आप सक्सेसफुल हो और बाकी के लोग कीड़े मकोड़ों जैसे दिखने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो। सबसे पहले तो आपकी सक्सेस की शुरुआत कब होगी? जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके आजू बाजू के लोग कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको करना है सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है। चुप हो जाओ और 6 महीने तक अपने को एक ही फील्ड में आगे लेने जाने के लिए, सक्सेस के लिए कार्य करो, आप सबसे आगे हो जाओगे, जैसे कि आपके सिग्मा सर करते हैं, द ग्रेट सिग्मा सर, समझ रहे हो? ये मैंने आपको मेरा सक्सेस मंत्र बताया, किसी को बताना मत, क्योंकि ये सक्सेस मंत्र बेचने का मैं 3 लाख रुपया लेता हूँ, बाद में बात करते हैं। मिलिटरिज्म इन जापान, ठीक है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, वर्सेलिस की ट्रीटी है, उसके बारे में तो हमें सबको पता ही है, बचपन से सीखते आए, जब हम 55 के थे, 55 अवर्स के, 55 साल के नहीं, हम 55 अवर्स के थे, तब से हमको सिखाया जाता है, मम्मी पापा सिखाते हैं हमें कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या है, जो 1919 में हुई थी। हाँ, ये वही साल है जब सिग्मा सर पहली बार पैदा हुए थे, कोई डाउट है? ये मेरा दूसरा जन्म है, समझ रहे हो? जापान डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसिस चाइना एज एक्सपेक्टेड। चाइना से जापान को जो ऐसे मिलने वाली थी, प्रोविंसिस मतलब क्या? जैसे अहमदाबाद एक प्रोविंस है, समझ रहे हो? तो एक जो एरिया होता है वो उसे मिलना चाहिए था, वो उसे मिला नहीं। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन्स, रीजन्स मतलब हिस्सा, ऑफ जर्मनी बिटवीन दैम। अब ये चीटिंग करते हैं, समझ रहे हो? वो वांटेड पिक्चर में था ना, विलन बोलता है ये चीटिंग करता है मेरे साथ, सलमान खान चीटिंग करता है ना उसके साथ, वैसे ही इंग्लैंड एंड फ्रांस, आप समझ रहे हो ना? इंग्लैंड और फ्रांस ने चीटिंग किया, क्या किया? चीटिंग किया और जर्मनी के काफी सारे हिस्से ऐसे, एक तू ले एक मैं लेता हूं, एक तू ले एक मैं लेता हूं, ऐसे बांट दिए, ठीक है, बिटवीन देम, समझ रहे हो? इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी को हरा के, आपको पता है जर्मनी के साथ क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, समझ रहे हो? इनका नाराज होना बनता है, ठीक है। जापान वॉज क्वाइट डिसप्लीस्ड, जापान वॉज क्वाइट डिसप्लीस्ड विद दिस, जापान बड़ा दुखी था इसके साथ, जापान कैसा था? दुखी था। इन 1921-22 वॉशिंगटन मीट, ये क्या होता है पहले तो ये आपको बता दूं, वॉशिंगटन जैसे दिल्ली इंडिया के लिए है, दिल्ली क्या है? इंडिया के लिए है, हमारी राजधानी है, पता होना चाहिए,
वैसे ही वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। अब वॉशिंगटन मीट मतलब क्या, ये लोग वॉशिंगटन में मिलने गए, जैसे हमारी खुशी है, ठीक है, हमारी खुशी है, हमारी पूजा है, हमारी आयुषी है, ये लोग जब भी क्या करते हैं, शाम को नंदनवन में मोमोस मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं मोमोस मीटिंग, तो ये कहाँ पे करते हैं मोमोस मीटिंग, नंदनवन में। तो उन लोगों की मीटिंग के दौरान ऐसा तय होता है कि कल ट्यूशन में हम सब ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाएंगे, कोई डाउट है बेटा, नहीं है ना। तो ये कब तय हुआ ब्लैक कलर के कपड़े, नंदनवन मीट, कोई डाउट है बेटा। तो ऐसे ही इन 1921-22 ड्यूरिंग द इन द वॉशिंगटन मीट जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स, अंग्रेजों की और अमेरिका की। आपको पता है नेवल फोर्स क्या होता है, नेवी क्या होता है, आर्मी में तीन होते हैं, एक जमीन, जमीन वाली लैंड वाली आर्मी, फिर एक समुंदर, नेवी, नेवल फोर्स, समुंदर में जो काम करते हैं ना उसको नेवी बोलते बेटा, समुंदर वाली फोर्स, ठीक है ना, और एक होती है हवा वाली, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो ये तीन आर्मी होती है, कोई डाउट है बेटा, नहीं है ना बेटा, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो जापान को एग्री करना पड़ा कि अंग्रेजों और अमेरिका की जो नेवल फोर्स है उसका उसको 35% का फायदा कुछ मिलेगा करके, ठीक है। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट, वैकेट मतलब खाली करना, द आइलैंड्स ऑफ सखालिन एंड साइबेरिया, साइबेरिया और सखालिन आइलैंड उसको खाली करना पड़ा। द जापानीज, अब देखो बूढ़ा है इंसान, वो तो अपने मरने के बारे में सोचता है, लेकिन यहां पे जापान का जो युद्ध था बड़ा गुस्से हुआ, जोरदार गुस्से हो गया कि यार ऐसा कैसे, वो राष्ट्र भावना, नेशनलिज्म। ड्यूरिंग दिस टाइम देर वॉज इलेक्शन, देर वेर इलेक्शंस इन जापान, जापान में इलेक्शन थे, क्या थे, इलेक्शन थे, एंड द पार्टी सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म गॉट द मेजोरिटी। मिलिट्रिज्म समझते हो ना, मिलिट्रियों को बढ़ावा देना, तो जो मिलिट्रिज्म को सपोर्ट करती थी वही पार्टी चुनाव जीत गई, है ना। आपको बता दूं आज चाइना ऊपर है, 2024 की अगर बात करें तो चाइना इज वे बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज, और जापान तो देखो उससे बहुत पीछे है, लेकिन पहले के ज़माने में ये जब हम पढ़ रहे हैं तब जापान आगे था और चाइना उसके नीचे था, ये जब हम पढ़ रहे हैं 1919 की बात कर रहे हैं, और जापान ने चाइनीज की बहुत मतलब हालत बिगाड़ के रखी थी, मतलब समझो बहुत खराब तरीके से। द मिलिट्री नेशनलिज्म, मिलिट्री नेशनलिज्म, अब जापान एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांसनिज्म, मतलब फैलावा करो, आजू बाजू में लोगों को हराओ, आपको आप समझ रहे हो ना, वो राजा महाराजाओं में कैसा होता था कि पड़ोसी राज्य है उसको हराओ, उसकी जमीन हासिल करो। जापान डिडंट गेट द परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन, जापान को लीग ऑफ नेशन में परमानेंट जगह नहीं मिला, ठीक है। द वेस्टर्न कंट्रीज कुडंट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं कर पाए। अब जापान, ये जो फैलावा था ना इंपीरियल, आपको पता है इंग्लैंड भी एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी धराता था, इस देश पे राज करो, उस देश पे राज करो। जापान कैप्चर्ड मंचूरियन ग्रेवी, जापान ने मंचूरियन ग्रेवी को, बेटा मंचूरिया लिखा है, हाँ ये वही मंचूरिया है जहां से मंचूरियन ग्रेवी की शुरुआत हुई, मंचूरियन नूडल्स की शुरुआत हुई, मंचूरियन राइस की शुरुआत हुई, कोई डाउट है बेटा, ये वही जगह है मंचूरिया, क्या बेटा, मंचूरिया को जापान ने कैप्चर कर दिया। एंड एस्टैब्लिश्ड मांचुकुओ गवर्नमेंट, कौन सा कुआ, कौन सा कुआ, मांचुकुआ, मंचूरियन था ना, मांचुकुओ, ये याद करने के लिए सब बोलना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, सुनू, समझ रही है ना तू, 1932 में ऐसा हुआ था। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, वही कोरिया जो आपके BTS वाला कोरिया, समझ रहे हो ना, जो BTS के लॉकेट आप गले में लगा के घूमते रहते हो, ये मैंने गौरव के साथ देखा था। मंगोलिया, सांतुंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना, मैंने बोला ना चाइना थोड़ा कमजोर था, थोड़ा नहीं बहुत,
इट इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विद जर्मनी, उसने जर्मनी के साथ अपने रिलेशन डेवलप कर दिए, अच्छे कर दिए, एंड इटली एंड लेट लूज इट्स स्ट्रिंग्स ऑन इंपीरियलिज्म। लूज मतलब वो जो, जैसे इंग्लैंड, आपको इंग्लैंड का इंपीरियलिज्म समझना है तो इंग्लैंड अलग अलग देशों पे जो राज करता था, फैलावा करता था ना, उसको इंपीरियलिस्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो जापान ने अपनी जो इंपीरियलिज्म था, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, उसको थोड़ा लूज किया, उसको थोड़ा ढीला किया, मतलब वो अब उतना इंपीरियलिस्ट होना नहीं चाहते थे, और वो क्या कर रहे थे, जर्मनी और इटली के साथ अपने संबंध अच्छे अच्छे करना चाहते थे। आपको समझ रहा है ना इस लाइन का मतलब क्या? पहले तो इट इंप्रूव्ड इट्स रिलेशनशिप विद जर्मनी एंड इटली, एंड लेट लूज, उसने क्या किया, अपनी जो पकड़ थी स्ट्रिंग इंपीरियलिज्म के ऊपर, अपनी जो पकड़ थी उसको उसने क्या किया, लूज किया। आफ्टर एम्परर मेजी, जो राजा था एम्परर हिरोहितो, मस्त नाम है ना, 1936 ऑल्सो एंकरेज दिस, मतलब ये जो एम्परर मेजी था, हमने ऊपर ही पढ़ा, जो मिलिट्रिज्म को बढ़ावा देते थे, उसके बाद में जो एम्परर आया, राजा आया हिरोहितो, 1936 में आया, उसने भी ऐसी ही एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया। ऑफ जापान, थस जापान स्नैप्ड ऑल इट्स टाइज विद द लीग ऑफ नेशन 1933। हाँ, और ये वही सब चीजें हैं जिसकी वजह से उनके देश में वर्ल्ड वॉर टू के अंत में, और शायद उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर टू का अंत हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के जो दो शहर है उसके ऊपर, उसका भी एक अलग से इतिहास है, जितना हमें पढ़ने में आएगा उतना ही पढ़ेंगे। वहाँ पे एटम बॉम्ब्स पड़े थे और पूरे के पूरे दो शहर बर्बाद हो गए थे, और वो इतना भयानक था, एटम बॉम्ब जो बोलते हैं हम, न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं उसको, इतना भयानक था कि उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो रेडिएशन होता है, उसकी वजह से इंसान मर गया, इंसान मतलब गायब हो गया, वैनिश हो गया, लेकिन उसका परछाया अभी भी वो फोटो में कैप्चर हो गया। परछाई समझते हो आप? हाँ, मतलब अजीबो गरीब है। अब वो फोटो कितना सही कितना गलत हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसे फोटोस आपको देखने को मिल जाएंगे, समझ रहे हो, इंसान वैनिश हो गया लेकिन उसकी परछाई वहां पे रह गई, ऐसा तो कैसे हो सकता है, समझो, समझ रहे हो आप लोग? कोई डाउट है? देखो हम फिर से इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट है बेटा आपको? नहीं है ना? नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, समझ ही रहे होंगे, तभी तो आप पढ़ने आए हो यहाँ पे। हमने एक बार पढ़ा इसको, अब हम दूसरी बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलिट्रिज्म इन जापान, मिलिट्रिज्म इन जापान। हाँ बेटा, तू वहीं पे पढ़ने आया है जहाँ पे तू पढ़ने आता है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, द ग्रेट वन एंड ओनली सिग्मा सर, है ना, द मोस्ट लवेबल टीचर इन इंडिया, नहीं वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, कब हुई थी बेटा, 1990 में हुई थी। जापान को फायदा नहीं मिला, पहली लाइन में क्या लिखा है बेटा, बेनिफिट, बेनिफिट क्या नहीं मिला बेटा, जापान डिडंट गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना एज एक्सपेक्टेड। चाइना से जो सब प्रोविंसेस मिलने वाले थे वो सब प्रोविंसेस उसको नहीं मिली। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है, समझ रहे हो। इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या कर दिया, जर्मनी के काफ़ी सारे रीजन्स, बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत सारे हिस्से बांट दिए। किसने चीटिंग किया बेटा? जर्मनी को रीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रखो, डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा याद रख जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक सेकेंड ना बेटा। जापान डिड नॉट गेट बेनिफिट, वो हो गया लाइन हमारा। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। उसके बाद में जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विद दिस, जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विद दिस, दुखी था। एंड इन 1921-22 जापान हैड टू एग्री, वॉशिंगटन मीट हुआ था, वॉशिंगटन मीट को मेन पॉइंट बना दो। जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स, ठीक है। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट करना पड़ा, खाली करना पड़ा द आइलैंड्स ऑफ
सखालिन एंड साइबेरिया द जापानीज युद्ध उसकी वजह से गुस्सा हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम देर वेर इलेक्शंस इन जापान, इस वक्त के दौरान जापान में इलेक्शन थे एंड द पार्टीज सपोर्टिंग मिलिट्रिज्म, उनको मेजोरिटी मिल गई। ठीक है, द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशनिज्म, फैलावा करना है। ठीक है, जापान डिडंट गेट द परमानेंट प्लेस इन लीग ऑफ नेशंस, द वेस्टर्न कंट्रीज कूडंट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज ऑफ जापान, जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टाब्लिश मांचू कुओ गवर्नमेंट 1932, ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, सांतुंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना, इट इंप्रूव्ड इट्स रिलेशनशिप विद जर्मनी एंड इटली एंड लेट लूज इट्स स्प्रिंग्स ऑन इंपीरियलिज्म। आफ्टर एम्परर मेजी, मेजी जब एम्परर बना उसके बाद में एम्परर मेजी जब उसका इंतकाल हो चुका होगा, मर गया होगा या तो रिटायर हो चुका होगा, मर ही गया होगा, राजा थोड़ी ना ऐसे छोड़ता है गद्दी को। एम्परर हिरोहितो 1936 ऑल्सो एनकरेज दिस एक्टिविटीज ऑफ जापान, थस जापान स्नैप्ड ऑल इट्स टाइज विथ लीग ऑफ नेशंस। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल डिप्रेशन यानी मंदी बेटा, ग्लोबल डिप्रेशन यानी मंदी, मतलब बेटा क्या मंदी, मतलब क्या बेटा, पैसा नहीं है किसी के बाप के पास। कब आई थी बेटा? 1920। ग्लोबल इसको बोलते हैं वैश्विक मंदी। कौन सी मंदी? कब आई थी? 1929, 32 में आई थी बेटा वैश्विक मंदी। द हेड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन नेशंस के कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई राजा होता है, ठीक है ना, हैड द बिलीफ दैट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। सबने ऐसा सोचा कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन बट दिस प्रूव्ड ये तो गलत था, ऐसे थोड़ी ना होता है। सडनली लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट। मैं आपको बता दूं, आप छोटे बच्चे हो आपको ये सब नहीं पता होगा, जैसे इंडिया में स्टॉक मार्केट होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE होता है, ठीक है, जहाँ पे शेयर्स की लेवड़ देवड़ होती है, फिर होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझ रहे हो, तो ये जहाँ पे शेयर की लेवड़ देवड़ होती है, शेयर खरीदे जाते बेचे जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में पहले तो कैसा होता, अभी तो सब मोबाइल से हो सकता है, अहम ID होता है, डीमेट अकाउंट होता है, ऐसे हो जाता है। पहले शेयर खरीदने होते तो ऐसे मार्केट में जाना पड़ता था, जैसे हम बटाका नहीं खरीदते हैं, बटाका खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, सब्जी नहीं खरीदते, ऐसे एक मार्केट होता था, वहाँ पे ऐसे कागजी शेयर ऐसे खरीदने पड़ते थे, आप समझ रहे हो, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE बोलते हैं, NSE बोलते हैं, वो भी ऐसा था। और वॉल स्ट्रीट अमेरिका में आया है, और वॉल स्ट्रीट का एक पिक्चर भी है, आपको अगर देखना है मैं नाम लिख के देता हूँ आपके लिए, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एक ट्रू स्टोरी है, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब एक ऐसी गली, समझ रहे हो, जहां पे, और ये वॉल स्ट्रीट क्या है बेटा? अमेरिका का शेयर बाजार, अमेरिका का शेयर बाजार। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, मतलब वहां पे भी पैसा नहीं था, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बोलते इसको, बाय द क्रिटिक्स। ये वक्त है 24 अक्टूबर 1939। दिस क्राइसिस सुख मतलब हिला डाला, सुख मतलब हिला डाला, सुख मतलब हिला डाला द होल वर्ल्ड एंड सैडेड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशंस, और सभी देशों की आर्थिक स्थिति हचमच गई, गिविंग बर्थ टू द ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन, इसकी वजह से महान वैश्विक मंदी की शुरुआत हो गई। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर अफेक्टेड बाय दिस, दुनिया के काफी सारे देश इससे इंपैक्टेड हुए। इवन अ सुपर पावर पावर लाइक, देखो अभी आज के जमाने में ब्रिटेन गरीब है, लेकिन उस जमाने में तो ग्रेट ब्रिटेन क्या था? सुपर पावर था, सभी देशों पर राज करता था, तो ग्रेट ब्रिटेन की भी हालत पतली हो गई, पता है, हैड टू सैक्रिफाइस इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व्स अगेंस्ट इट्स करेंसी पाउंड। उसको भी देखो, ये आपको थोड़ा अगर अलग अलग रहा है तो मैं बता दूं, जैसे इंडिया का रूपी है, ठीक है ना, रूपी, अगर इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपए की नोट छापनी है तो उसको RBI में इक्विलेंट अमाउंट का गोल्ड रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वैसे नोट भी RBI ही छापता है, कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जितने नोट छपेंगे
उतना साइड पे गोल्ड पड़ा है, जितने नोट छपेंगे उतना साइड पे गोल्ड पड़ा है, आप समझ रहे हो है ना। तो ये जो गोल्ड की पॉलिसी है वो किसकी थी, ग्रेट ब्रिटेन की। उसकी पॉलिसी थी कि जितने पाउंड छपेंगे उनका, जैसे हमारा रुपी है वैसे उनका क्या है बेटा, पाउंड है। उनकी करेंसी क्या है, पाउंड है, हमारी करेंसी रुपी है। तो उनकी करेंसी पाउंड अगर वो छापते हैं तो उनका इक्विलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड वो लोग रखते थे, ठीक है। तो ये उनकी पॉलिसी उन्हें छोड़नी पड़ी, ठीक है, गोल्ड बाहर निकाल के कुछ करना पड़ा होगा। दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इसी की वजह से दुनिया के काफी सारे नेशंस को इंपैक्ट हुआ। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एंड इंडस्ट्री प्रॉस्पर, बहुत सारी चीजें अफेक्ट हुई। प्रॉस्परस नेशंस लाइक अमेरिका ऑल्सो हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट, अमीर प्रॉस्परस समृद्ध नेशन, अमेरिका समृद्ध नेशन था, उसको भी हालत पतली हो गई। ग्लोबल ट्रेड वॉर रिड्यूस टू हाफ, जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेड, मतलब जैसे मैं आपको आपके घर के हिसाब से बताता हूँ, जैसे आपके घर में सुबह से शाम तक का खर्चा 1000 रुपया होता है, घर खर्च बोल दो, जहाँ पे सुबह में आपने दूध लिया, फिर आप बिस्किट का पैकेट लेने गए, फिर आपने फलाना लिया, सब्जी ली, तो जो आपका रूटीन एक्सपेंस है ना, वो 1000 है, वो अब घट के 500 रुपया हो गया। पहले 1 लीटर दूध लेते थे, अभी 500 लेते हैं, ठीक है ना, हाफ लीटर लेते हैं बाय एंड लार्ज, आप समझ रहे हो, आधा लीटर। तो वो आपने क्या किया, सभी खर्चों के ऊपर काप रख दिया, समझ रहे हो। तो ग्लोबल ट्रेड वॉट रिड्यूस टू हाफ, वैश्विक व्यापार आधा हो गया। थस वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन, इसीलिए विश्व व्यापार, ये देखो कुछ बच्चे आते, ये आयुषी थोड़ी लेट आई है और आके ही अभी बगासा खा रही थी, अभी उसकी नींद थोड़ी उड़ी है ना, कोई डाउट है। ग्लोबल डिप्रेशन, कोई डाउट है, मैंने बोला था ऐसा ही हुआ ना, पता है मैंने आयुषी की एक्टिंग भी करी थी कि आके ऐसा करेगी, समझ रहे हो, अभी नींद उड़ी है जाके। ग्लोबल डिप्रेशन 1929-32, ठीक है। द हेड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस हैड द बिलीफ, क्या मानते थे, दैट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हो चुका है, इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग। सडनली एकदम से अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट में बड़े शेयर समझते हो ना, वॉल स्ट्रीट में बड़े पैमाने पे शेयर्स बेचे जाने लगे, कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल, स्टॉक मार्केट था वो टूट गया। आपने कभी सुना होगा आज शेयर बाजार ऐसे टूट गया, मतलब बहुत सारा नुकसान हो गया, लोगों के इतने पैसे खत्म हो गए। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स, डेट थी 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर नहीं, गांधी जी की जन्म, देखो ये बहुत मस्त है, गांधी जी 2 अक्टूबर, और जो दूसरे, देखो हमारे देश में दो नेशनल हीरो, एक गांधी जी 2 अक्टूबर और एक 4 दिसंबर, आपके फेवरेट दादा, यानी दोनों को मिला के एक डेट बनाई गई 24 अक्टूबर। अब दो खतरनाक इंसान मिल जाएंगे तो डेंजर डेट ही मिलेगी, अक्टूबर, ठीक है, 1929, हाँ, और ये 29 वही डेट है जहाँ पे मेरी वाइफ पैदा हुई थी, 29 दिसंबर को, किसी को बताना मत। दिस क्राइसिस सुख मतलब इलाडाला द होल वर्ल्ड एंड सेटल्ड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द नेशंस गिविंग बर्थ टू ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन, जिसकी वजह से सबसे महान वैश्विक मंदी पैदा हो चुकी थी। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द दुनिया वेर अफेक्टेड बाय दिस, इसकी वजह से दुनिया के काफ़ी सारे देशों को इम्पैक्ट पड़ा था। इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन नाम का सुपर पावर हैड टू सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ा इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट इट्स करेंसी पाउंड, उसको छोड़ना पड़ा, मैंने डिटेल में समझाया उसको,
दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सब कुछ इंपैक्ट हो गया। प्रॉस्परस नेशंस लाइक अमेरिका ऑल्सो हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स, ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ, थस वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन। अब देखो हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, हाँ हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था? ये 1939 में स्टार्ट हुआ था। एनर्जी ला बेटा, मरा हुआ लग रहा है। 1939 में स्टार्ट हुआ था बेटा। कब स्टार्ट हुआ था? 39 में। और कब खत्म हुआ था? 1945। कब? वो हिरोशिमा नागासाकी, है ना। द सीड, सीड मतलब समझते हो बीज, और फॉर द वर्ल्ड वॉर टू, फॉर द वर्ल्ड वॉर टू। देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, वर्ल्ड वॉर टू नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते इसको, रोमन न्यूमरल्स टू लिखो या तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे लिखो, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सेम रूल जाता है, और ये सब कैपिटल रखना है, W W और ये S, या तो फिर ऐसे लिखो, बाकी और कोई तरीका नहीं है। हैड बीन सोन मतलब सीड्स रोपे गए थे, कब? इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिसप्लीज्ड मैनी नेशन, काफी सारे देश नाखुश थे पेरिस पीस टॉक से। द इवेंट्स दैट हैपेंड आफ्टर दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में भी जो हुआ था उसकी वजह से भी बहुत सारा इश्यू हो गया था। सो डियर चिल्ड्रन, लेट अस स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू। कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के काफ़ी सारे रीजन्स है। फियर्स नेशनलिज्म, फिर ग्रुपिज्म, मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, समझ रहे हो, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ सर एडोल्फ हिटलर, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज, ठीक है। अब समझो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, पढ़ ही लेंगे, पढ़ना ही चाहिए। ये है वर्ल्ड वॉर टू के कारण, ये क्या है वर्ल्ड वॉर टू के कारण, फियर्स नेशनलिज्म, क्या है बेटा फियर्स नेशनलिज्म। इस वर्ड के बारे में हमने जब पहले पढ़ा था तब इसको फियर्स नेशनलिज्म हमने पढ़ा था, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फियर्स नेशनलिज्म मतलब अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना रखना, डेवलप्ड इन जर्मनी जापान एंड इटली, कौन से देश में बेटा, जर्मनी जापान और इटली, हाँ ये GJI, हाँ GJI, जी आप कर सकते हो, जीज, हाँ जीग ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे हमें IOC ने बोला अभी, जी लेट आइए, लेकिन हाँ लेट आइए इसीलिए दिमाग चल रहा है, बाकी तो सब सो रहे हैं, ठीक है ना, कभी कभी लेट आने वाले भी सोते हैं, बट इट्स ओके। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फियर्स नेशनलिज्म डेवलप इन जीग, जे जापान इटली एंड जर्मनी। जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जर्मन्स कभी भी ये जो वर्सेलिस की संधि थी उसमें से कभी बाहर आई नहीं पाए, उसमें से कभी बाहर आई नहीं पाए, ठीक है, समझ रहे हो आप। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जैकोस्लोवेकिया, क्या बोलेंगे इसको आप, जैकोस्लोवेकिया, वैसे कभी कभी इसको चेकोस्लोवेकिया भी बोलते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, या तो जैको बोलो या तो चेको बोलो, और अगर आप कभी चेक रिपब्लिक बोलते हो, सी मुझे सब पता होता है, ऐसे मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं, तब जैक रिपब्लिक नहीं बोलते ये लोग, रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक बोलो, यानी चेकोस्लोवेकिया बोलो या तो जैकोस्लोवेकिया बोलो, कोई डाउट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसॉफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वेयर स्टेइंग, मतलब के हिटलर ने क्या बोला, अगर कहीं पे कोई जर्मन रह रहा है तो वो हिस्सा किसका होना चाहिए, जर्मन का होना चाहिए, ठीक है, गजब काम है भाई। इटली कुडंट फॉरगेट दैट इट वॉज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, इटली भूल नहीं पा रहा था कि उसके साथ
क्या नाइंसाफी हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ फासिस्ट पार्टी, फासिस्ट पार्टी इटली, याद है ना। मुसोलिनी स्टार्टेड इज फियर्स नेशनलिज्म एंड एडॉप्टेड इंपीरियलिस्टिक, मतलब वो आप समझे ना, इंपीरियलिस्टिक मतलब अपने राज्य का फैलावा करना, इंपीरियलिज्म पॉलिसीज। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम एशिया जापान टू गेव इन टू इंपीरियल, जापान भी बोला अपन भी इंपीरियल, अपन भी फैलावा करेगा, अपन भी अड़ोस पड़ोस के लोगों को ऐसे परेशान करके उनकी जमीन ले लेगा, ठीक है। थस वर्ल्ड पीस वॉज इन डेंजर, इसी वजह से विश्व शांति खतरे में थी, ठीक है। हाँ हम वही पढ़ रहे हैं, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला कॉज क्या है बेटा, फियर्स नेशनलिज्म, सबसे पहला कॉज क्या है बेटा, फियर्स नेशनलिज्म। फियर्स नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फियर्स मतलब देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखना, भावना रखना। फियर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन कहां पे, जीग जापान इटली एंड जर्मनी। जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को ना वो भूल पाए ना उससे वो बाहर आ पाए। नहीं कभी कभी हमारा इंसल्ट होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, उसमें से हम उबर ही नहीं पाते, ठीक है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, और मैं बता दूं, और ये मैं बता दूं, आज आपकी कौन सी तारीख है बेटा, 8 तारीख है बेटा, याद रखना बेटा कौन सी तारीख है। और ये जो हीरा माणिक के बच्चे हैं ना बेटा, जो पूरे सुबह शाम ऐसे एंजॉयमेंट का प्लानिंग करते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, सर दुखता है, ये दुखता है, फिर जितना एफर्ट्स आप अगर एंजॉयमेंट के टाइम पे आप एंजॉयमेंट करते हो वहां पे बुक्स नहीं घुसती है, तो पढ़ाई के टाइम पे भी आपकी एंजॉयमेंट नहीं घुसनी चाहिए, है ना। फिर मैं बोलता हूं तो बुरा लगता है, पर मैं क्या करूं, मैं एक गुरु हूं, मुझे बोलना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। बॉन्ड बॉन्ड रहता है, जैसे इसको पढ़ा, ये अगर ये गणपति कर रहा है, नीचे जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, वहां पे इसको पढ़ाई नहीं घुसती है, ठीक है। तो फिर पढ़ाई के टाइम पे एंजॉयमेंट नहीं घुसना चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आप समझ रहे हो। बुरा लगे तो सॉरी, समझ रहे हो। कंसिक्वेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है वो, गलती से मैं बोल जाता हूं हर बार, ऑस्ट्रिया है, क्या है वो, ऑस्ट्रिया है, और चेकोस्लोवेकिया, ठीक है। फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसॉफी, और वो फिलोसॉफी क्या थी, अगर कहीं पे कोई जर्मन रह रहा है तो वो एरिया किसका होना चाहिए, जर्मनी का होना चाहिए। फिलोसॉफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोस प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वेयर स्टेइंग, जर्मन्स जहां जहां पे रहते हैं वो एरिया किसका होना चाहिए, जर्मनी का। इटली, इटली कुडंट फॉरगेट दैट इट वॉज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, इटली कभी भूल ही नहीं पाया था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में उनकी इग्नोरेंस हुई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ फासिस्ट पार्टी मुसोलिनी स्टार्टेड दिस फियर्स नेशनलिज्म एंड एडॉप्टेड इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज, हमने देखो इस पर्टिकुलर फियर्स नेशनलिज्म की शुरुआत जीग से हुई थी, जापान जर्मनी और इटली, तो जर्मनी वो जो भी, ठीक है, तो वो तीनों के बारे में इस पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा, कोई डाउट है बेटा। और इतना लिखोगे मतलब इतना अच्छे से पढ़ के जाओगे इतना चार, तो उसको मार्क देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम एशिया जापान टू गेव इन टू इंपीरियलिज्म, देखा हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में तीन देशों के बारे में लिखा, समझ रहे हो, कोई डाउट है नहीं। आपने जर्मनी के बारे में लिखा, आपने इटली के बारे में लिखा, और ठीक है जापान से किसी राजा का या किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन जर्मनी से आपने, जर्मनी से सर एडल्फ हिटलर, और इटली में से आपने मुसोलिनी का नाम लिखा। ग्रुपिज्म, देखो अब ग्रुपिज्म, रोम टोक्यो बर्लिन ऐसी कोई चीज़ भी थी, उसके बारे में भी हम चर्चा, हमारा फियर्स नेशनलिज्म हो गया, अब हम ग्रुपिज्म की बात, ग्रुपिज्म के बारे में आपको कौन बताए, ठीक है। जैसे हर जगह पे इवन छोटे से ट्यूशन में 4 लोग आते हैं, वो ट्यूशन में भी ग्रुप बनता है 2-2 लोगों का, समझ रहे हो। स्कूल में भी, अरे वो मेरे ग्रुप की लड़की नहीं है उसके मैं साथ बात क्यों करूँ। और हमारे लड़कों का कोई ग्रुप जनरली नहीं होता है, हमारे लड़कों तो क्या होता है ऐसे मैच्योर होते हैं, सब साथ में रहते हैं। लड़कियाँ 7-8 लड़कियाँ आती है, उसमें भी 4 ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी, फ्रांस जो है वो जर्मनी से हमेशा डरता रहता था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट एंटर इन टू अ ट्रीटी विद बेल्जियम पोलैंड रोमानिया एंड चेकोस्लोवेकिया। देखो फ्रांस जर्मनी से डरता था, इसीलिए वो बेल्जियम पोलैंड
रोमेनिया और चेकोस्लोवेकिया, इनके चरणों में चला गया। हमें शरण दो, हमें शरण दो माई बाप, आप हमारे माई बाप हो। कौन से देश? बेल्जियम, बीपीआरसी। फ्रांस किसके पास गया बेटा? बीपीआरसी। बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया एंड चेकोस्लोवेकिया। ठीक है, नाउ देखो समझना। हाँ, यहां पे क्या क्या चीज हो रहा है। फ्रांस डर रहा था, वो चार देशों पे पास गया। अब यहां पे जो सी है, इटली साइंड ट्रीटी विद चेकोस्लोवेकिया। इटली 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 गई तितली, ठीक है ना, टिटली गई इटली। इटली ने चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लेविया, रोमेनिया, हंगेरी, ग्रीस, टर्की और ऑस्ट्रेलिया, इन तो ये जो फ्रांस के जो चार देश थे, बेल्जियम, रोमेनिया, बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया और चेकोस्लोवेकिया, उसमें से जो आखिरी वाले दो देश थे, आखिरी वाले जो दो देश थे चेकोस्लोवेकिया और रोमानिया, उसके साथ तो इटली ने भी एक ट्रीटी साइन की, और बाकी के देश लेके आया यूगोस्लेविया, हंगेरी, ग्रीस, तुर्की, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। मैं फिर से लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़े ढंग से नहीं थे। ऑस्ट्रिया वो, हाँ ठीक है, बोलने में गलती हो जाती है। चेकोस्लोविया, चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लेविया, रोमेनिया, हंगेरी, ग्रीस, टर्की एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जीटीए, इन लोगों की कुछ गेम है ना, जीटीए या समथिंग लाइक दैट, है ना। ठीक है, तो सी वो उसमें थे, सी आर, क्रिस्टियानो और रोनाल्डो वाले, मतलब वो दो तो हो गए, और वाई एच, एच वाई, वॉट, ऐसे भी आप बना सकते हो इसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाई एच वाई, हम गेम खेलते हैं जी टी ए। कोई डाउट है? आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो ये इसको मैंने करेक्ट किया, मतलब ये इधर से दोनों देश, ठीक है, चेकोस्लोवेकिया, रोमेनिया, हंगेरी, यूगोस्लेविया, ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इटली ने भी इन देशों के साथ कुछ ट्रीटी करी। नाउ रसिया आ गया मार्केट में, देखो कितना लफड़ा होने वाला है, पेन अपन चेंज कर देते बेटा। रसिया आ गया मार्केट ने, उसने जर्मनी, ये एक नए देश है सब, जर्मनी, तुर्की, है ना, अभी तक जर्मनी की, और ये सब नए देश है, लिथुआनिया, लिथुआनिया एंड ईरान, जी टी एल आई, गुजरात टाइटंस और लखनऊ इंडियंस। ठीक है, हाँ ठीक है ना, कोई डाउट है? ये रसिया ने, देखो यहां पे अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से। फिर इटली ने क्या और एक बनाया, रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम ये आपको पहले से पता है, इटली ने एक ग्रुप बनाया था, रोम, बर्लिन, टोक्यो, एक्सिस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान। इटली ने, अभी यार ऐसा ही होगा ना, इटली ने रोम, टोक्यो, बर्लिन, आपको पता है बर्लिन इज टू जर्मनी, टोक्यो इज टू जापान, तो उनकी मदद से उन लोगों ने क्या बनाया, एक एक्सिस बना दिया। कोई डाउट है आपको? नहीं है। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जर्मनी साइंड अ नॉन अग्रेशन ट्रीटी। जर्मनी ने बोला कि मैं नॉन अग्रेशन ट्रीटी, ये होता है कि सबसे पहले मैं अटैक नहीं करूंगा, मतलब दोनों ने अगर ट्रीटी साइन की है, मतलब दोनों आमने सामने अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, समझ पड़ रहा है ना बेटा, है ना। थस होल एटमोस्फियर ऑफ फियर स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, मतलब इतने सारे संधि हो गई कि एक डर का माहौल था दुनिया में कि कोई किसके साथ क्या करेगा, कोई किसके साथ क्या करेगा, समझ रहे हो। दिस फैक्टर टू गेव एन इम्पेटेंस टू द वर्ल्ड वॉर, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर का माहौल बना, समझ रहे हो। कोई डाउट है? हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे। ग्रुपिज्म, फियर्स नेशनलिज्म तो आप पढ़े ही, ठीक है, वहां पे आपको जिक के बारे में बात करना था, जापान, इटली और जर्मनी के बारे में। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी, फ्रांस हमेशा जर्मनी से डरा हुआ रहता था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट एंटर इनटू ट्रीटी विथ बेल्जियम, पोलैंड, ये रहा फ्रांस वाला, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद में दूसरे वाला लाइन, इटली, इटली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एच वाई, हाई, उसको हमने क्या बोला, गेम खेलने के लिए बुलाया, जी टी एफ आई, ऐसा ही कुछ होता है ना, हाँ, GT5, चलो। तो सी फॉर चेकोस्लोवेकिया,
रोमेनिया, हंगेरी, यूगोस्लेविया, ग्रीस, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, वो हो जाता है, बच्चे समझ जाएंगे। और रसिया आर, उसने गुजरात टाइटंस, लखनऊ इंडियंस, जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी, टी फॉर तुर्की, ठीक है ना, समझ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ऊपर आ चुका है। लिथुआनिया नया देश है, और आई स्टैंड्स फॉर ईरान, समझ रहे हो। इटली फॉर्मड, इटली ने, और एक रोम, बर्लिन, टोक्यो, विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान, इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्मड अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जर्मनी साइंड अ नॉन अग्रेशन ट्रीटी विद रसिया, थस अ होल एटमोस्फियर ऑफ फियर स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, दिस फैक्टर टू गेव एन इम्पेटस टू द इम्पेटस यानी महत्व टू द होल वर्ल्ड। मिलिटरिज्म, क्या बेटा, मिलिटरिज्म, ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है बेटा, क्योंकि आप पढ़ने आते हो और मैं पढ़ाने आता हूँ, ठीक है ना, और आपका एसएस में काफ़ी सारा पोर्शन कवर होना बाकी है, कोई टेंशन है बेटा। मिलिट्रिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे, चर्चा करना ही चाहिए क्योंकि बनता है बेटा, क्योंकि हम तो पढ़ने आते हैं ना बेटा, कोई टेंशन है बेटा, नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं, 2 मिनट ना बेटा, मैं थोड़ा है ना पानी पी रहा हूँ, 1 सेकेंड मुझे पानी पी लेने दे, है ना, टेंशन मत रख, मैं पढ़ा दूंगा। पानी पीते पीते सर उधर को उठाती है आपको, ठीक है। मिलिटरिज्म कौन सा इज्म, मिलिटरिज्म, ऑन वन साइड एक तरफ, एफर्ट्स वेर बीइंग मेड टू मेंटेन पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसी एफर्ट्स थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद थोड़ी शांति हो जाए, ऐसी एफर्ट्स हो रही थी, ठीक है। वेर एज ऑन द अदर साइड यूरोपियन नेशंस वेर कंपीटिंग फॉर एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब वो गोली बारूद, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दारू गोला होता है ना, वो उसकी गोलियों के लिए वो लोग लड़ रहे थे। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज इन ऑल यूरोपियन नेशंस, सभी देश ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। वार वेपन्स बेटर देन अदर वेयर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जैसे पहले छोटी छोटी पिस्तौल्स आती थी, फिर उसके बाद में AK-47 वो तो बहुत लेट आई, ठीक है, बट फिर भी नए नए हथियार बनना शुरू हो गए, कि एक देश अगर ऐसा बना रहा है तो हम उनसे बेहतर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सम नेशंस लाइक रसिया एंड जर्मनी बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, रसिया और जर्मनी ने क्या बोला, भाई आप अगर हमारे देश में पैदा हुए हो तो आपको मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है। ऑल नेशंस बिगेन इंडक्टिंग मोर मैन इन टू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, हमने पहले ही बोला 3 प्रकार की फोर्स होती है, ठीक है, मैंने गुजराती में लिखा था, ये लोग आर्मी मतलब किसको बोलते हैं बेटा, वो जमीन वाली, ठीक है ना, नेवी मतलब क्या बोलते हैं बेटा, समुंदर वाली, और एयरफोर्स मतलब क्या बेटा, तो सभी नेशों में इंडक्टिंग मतलब इंड्यूस करना, लोगों को लेना, है ना, समझ रहे हो, सभी नेशंस ने काफ़ी सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तीनों प्रकार की आर्मी में लेना शुरू कर दिया था। इन द ईस्ट, आपको ये पता होना चाहिए, एशिया, भारत ईस्ट में आता है, जापान इंक्रीज्ड इट्स मिलिट्री फोर्स, जापान ने अपनी मिलिट्री फोर्स बढ़ावा दे दिया, बढ़ा दिया, इवन जो बच्चा पैदा हुआ उसको भी बंदूक पकड़ा दी, ठीक है ना, जो एक दिन का बच्चा है उसको भी, ये बेटा आर्मी लड़ने जा बेटा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था, बोलने ही पड़ता है ऐसे कभी कभी, ठीक है ना। फाइनली द वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन डिक्लेयर्ड व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप देमसेल्व्स विथ वॉर वेपन्स, वर्ल्ड वॉर टू जाहिर हो गया, चलो हम लड़ लेंगे एक दूसरे के साथ, और वो ऐसा वक्त था जब इंग्लैंड और फ्रांस EF अभी तो हथियार कलेक्ट कर रहे थे, उनके पास काफी हथियार था भी नहीं, ये था मिलिट्रिज्म की बातें कर रहे थे और करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे पढ़ने आते हैं बेटा, पढ़ने आते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, ठीक है, समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम ये पढ़ रहे बेटा कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, इसमें मैंने मेरे हिसाब से फियर्स नेशनलिज्म अच्छे से पढ़ाया, मैंने ग्रुपिज्म पढ़ाया, मैं मिलिट्रिज्म पढ़ा रहा हूँ, अभी दूसरी बार रिवाइज कराऊंगा, हर एक चीज़ को पहले एक बार पढ़ाता हूँ फिर दूसरी बार रिवाइज कराता हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पे भी तेरे को मेरा वीडियो देखना है तो तू देख सके, अच्छे से देख सके, अपने दोस्तों को वायरल कर सके, और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, द ग्रेट सिग्मा सर, समझ रहे हो,
ऑन वन साइड एफर्ट्स वेयर बीइंग मेड टू मेंटेन पीस, विश्व शांति मेंटेन करने की एफर्ट्स चल रही थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेयर एज जबकि ऑन द अदर साइड यूरोपियन नेशंस वेयर कंपीटिंग फॉर एम्यूनिशन, जो यूरोपियन नेशंस है वो गोला बारूद के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे थे। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार का प्रोडक्शन बढ़ रहा था इन ऑल यूरोपियन नेशंस। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वेयर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, एक देश के पास जितने वॉर वेपन्स है उससे बेहतर, जैसे आप लोग करते हो ना, अगर कोई आपकी फ्रेंड जैसे कोई पर्टिकुलर ड्रेस लेके आ गई, ठीक है ना, उसने बोला मैं 6000 का ड्रेस लेके आई हूँ और मतलब ऐसे जोरदार ड्रेस है, पूरा गांव उसी को देख रहा है गणपति में, ठीक है, समझ रहे हो, तो आप घर पे जाके ऐसे दम पछाड़ा कर देते हो, पहले तो वो टीवी निकाल के उसको तोड़ दिया आपने, है ना, पापा बोले टीवी क्यों तोड़ा, पापा वो मेरी फ्रेंड है, वो 6000 का ड्रेस लाई थी, अगर मैं टीवी तोड़ती नहीं तो आपको पता नहीं चलता कि मेरे को 10000 का ड्रेस चाहिए, नहीं 10000 का क्यों पापा, मैं तो डबल पहनूंगी, 12000 का, और 12000 का क्यों नहीं पापा, मैं तो 18000 का ड्रेस पहनूंगी, मेरे को कहीं से भी आप 18000 का ड्रेस लेके आ, पर बेटा टीवी क्यों तोड़ा, पापा वो टीवी भी उसके घर पे इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके घर पे 55000 का टीवी, अभी अपने घर पे मतलब कुल मिला के ये मिंडी ज़्यादा हो गई, मैं उसको इरेज कर देता हूँ, मिंडी ज़्यादा हो गई बेटा, समझ रहे हो, ये 55000 का उसके घर पे टीवी है, बहुत फ्लैक्स करती है बेटा, हाँ ये वही फ्लैक्स है जो आपका यो हनी सिंह्स कलर वर्ड के लिए यूज़ करता है, यो हनी सिंह्स, वो बोलता है मैंने कभी फ्लैक्स नहीं किया दोस्तों, मैं बोला ये बोल के भी तू फ्लैक्स ही कर रहा है बेटा, है ना, समझ रहे हो, यो हनी सिंह को तो जानते हो ना, 4 बॉटल वोड का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोक के ना किसी ने टोक का, ऐसा कुछ हो ना बेटा, यो हनी सिंह आपके वाला यो हनी सिंह बेटा, ठीक है ना, ये वोडका वोडका पीने का नहीं बेटा, समझ रहे हो, हाँ तो उसने टीवी क्यों तोड़ा बेटा, तुम्हारी फ्रेंड ने, तुमने टीवी क्यों तोड़ा बेटा, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड 6000 का ड्रेस लेके आई थी और उसके घर पे 55000 का टीवी था, आपने पापा को बोला अब मेरे को 3 लाख का टीवी ला के दो बेटा, पापा मैं भले टीवी नहीं देखूंगी लेकिन फ्लैक्स करूंगी, क्या करूंगी बेटा फ्लैक्स, समझ रहे हो, कल मेरे को दोपहर में मैं पढ़ रहा था, मेरे को एक पेरेंट का फ़ोन आया कि सर ये लड़की को समझाओ, लड़की रो रही है, बोला क्यों रो रही है, बोले उसकी पैंट खो गई, इतने मैच्योर होते हैं लोग यार, समझ, हाँ सही में छोटी सी बच्ची है, मतलब नॉनसेंस, ऐसे बच्चे इतना तो इसीता भी नहीं रोती, ठीक है, अब इसीता इसलिए नहीं रोती, इसी तरह इसलिए नहीं रोती क्योंकि उसको तो याद ही नहीं रहता उसके पास कौन सी पैंट है, अब थोड़े मैच्योर हो जाते हो ना तो आपको सब याद रहने लगता है, अभी नॉनसेंस, पैंट खो जाने पे कौन रोता है, नहीं आ जाएगी, 500-600 की पैंट होती है, 1000 की पैंट होती है, 1500 की पैंट होती है, अरे यार एक कॉल करो नई पैंट आ जाएगी, कोई डाउट है, अरे यार गजब लोग होते हैं बच्चों की तरह, और इतने मैच्योर, मतलब आप समझो मेरे से बड़ी हाइट है वो लड़की की और रो रही है और रोते रोते फिर सो भी गई, ठीक है। मिलिट्रिज्म, आप समझ रहे हो, आजकल के बच्चे ऑन वन साइड एफर्ट्स वेयर बीइंग मेड टू मेंटेन पीस, शांति स्थापने के लिए एफर्ट्स की गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फेरेस, नहीं नाम नहीं लिया हमने किसी का, और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, समझ रहे हो, वेयर एज ऑन द अदर साइड यूरोपियन नेशंस वेयर कंपीटिंग फॉर एम्यूनिशन, जो यूरोपियन नेशंस थे वो एम्यूनिशन के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज्ड इन ऑल यूरोपियन नेशंस, कोई डाउट है बेटा, वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स वेयर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, अब ये दूसरी बार लाइन बताई गई है, सम नेशंस लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑल नेशंस बिगन इंडक्टिंग मोर एंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्यों सो रहा है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, क्यों नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, ऐसा है तो घर पे चला जा, जा जा जा, मेरे को नेगेटिव वाइब्स पसंद नहीं है, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ और सुबह से शाम तक ऐसे मेहनत करता हूँ, आप देखो रोज 2 या 3 घंटे के तो मेरे वीडियोस आते हैं और ये मेरे को बगासा खाते सामने बैठ, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, जा तू गणपति में आरती में जा बेटा, नॉनसेंस, नेवी एयरफोर्स और आर्मी इधर पे नहीं आने का, तुमको पढ़ना नहीं है, टाइम पास करना है तो घर पे रहने का बेटा, रोने का बोने का है, पैंट बैंट खो गई है, घर पे रहने का बेटा, ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब एशिया,
इन द ईस्ट जापान इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्स, जापान ने अपना मिलिट्री फोर्स बढ़ा दिया। फाइनली द वर्ल्ड वॉर टू हैड बीन डिक्लेयर्ड, अभी भी ध्यान नहीं है तेरा। व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस, वर्ल्ड वॉर टू डिक्लेयर हो चुका जब इंग्लैंड और फ्रांस क्या कर रहे थे, अभी तो हथियार इकट्ठा कर रहे थे। चौथा वाला पॉइंट, हाँ हम कॉजिस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर टू किस कारण की वजह से हुआ था, ठीक है ना। उसके तीन हो गए बेटा, फियर्स नेशनलिज्म, ग्रुपिज्म, मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस, पीस की स्थापना के लिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है। बट नीदर कुड इट, अब नीदर है तो नॉर भी आएगा, और नॉर नहीं है तो फिर ग्रामेटिकल एरर है। नीदर कुड इट बिकम अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवरेनिटी ओवर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, नॉर डिड इट हैव इट्स ओन आर्मी टू मेक द नेशंस फॉलो इट्स प्रिंसिपल। देखो लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास इतना पावर नहीं था कि वो किसी को बोल सके ए मस्ती नहीं क्या। जैसे लीग ऑफ नेशन के पास, लीग ऑफ नेशंस को मैंने एल ऑफ नेशंस बोला, ठीक है ना, क्या बोला, एल ऑफ एन, ठीक है ना। कोई डाउट है? तो लीग ऑफ नेशन के पास इतना पावर नहीं था कि वो जर्मनी को बोले जर्मनी बेटा मस्ती नहीं, तो उसके पास ना ये पावर था ना। अब दूसरी भी लाइन यही बोल रही है, उसके पास इतनी खुद की मिलिट्री भी नहीं थी कि अगर कोई मस्ती कर रहा है तो उसको रोकने के लिए अपनी आर्मी भेज सके। आप समझ रहे हो ना, जर्मनी को क्या भेजा बेटा, पूजा इसके फेस के ऊपर भूख है बेटा, तो पढ़ाई में ध्यान दे बेटा, बुक में ध्यान दे, वरना यहां पे ध्यान दे बेटा, ठीक है। बट नीदर कुड इट हैव, आपको लाइन पता चल रही है ना, बट नीदर कुड इट हैव ओन आर्मी, सॉरी, बट नीदर कुड इट बिकम अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवरेनिटी ओवर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरों को क्या बोलना बेटा, मस्ती नहीं, नॉट डिड इट हैव इट्स ओन आर्मी टू मेक द नेशंस फॉलो इट्स प्रिंसिपल्स, उसकी खुद की आर्मी भी नहीं थी कि जबरदस्ती ए फॉलो कर, न तो गया तू, ऐसे बूढ़े जैसा आवाज लगाना, ये मेरे को एक्टिंग आती है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। मेंबर नेशंस वेर नॉट ऑब्लाइज्ड, या तो ऑब्लाइज्ड जो बोलना है बोलो, टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस, मतलब अगर किसी देश को प्रॉब्लम है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि वो उधर पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं था, है ना। और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाय इट, और अगर कोई लीग ऑफ नेशन कोई जजमेंट दे देता है तो वहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता। ऑब्लिगेशन समझते हो, मैं आपको ऑब्लिगेशन, ये जो ऑब्लाइज वर्ड है ना वो बताता हूं, व्हाट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। जैसे हमारी खुशी है, ठीक है, खुशी ने ऐसे सबको बोला कि मैं सबको 4 बजे कॉल करूं, सबको 4 बजे कॉल करूं तो सब वो ड्रेस पहन के आ जाना। ड्रेस क्या बोलते हो, ड्रेस को क्या बोलते हैं ये लोग, कुर्ती, कुर्ती, कुर्ती पहन के नीचे आ जाना, ठीक है। सबको बोला, अब सब 4 बजे राह देख रहे हैं, फोन की राह देख रहे हैं, लेकिन खुशी का तो कॉल ही नहीं आया। अब खुशी का कॉल नहीं आया तो कोई नीचे कुर्ती पहन के जा ही नहीं पाया। अब यहां पे खुशी की जो ऑब्लिगेशन बनती थी, पर किसी ने उसको कुछ बोला ही नहीं कि खुशी तूने कॉल, शाम को भी खुशी ने सेम किया, 10 बजे खुशी ने बोला था मैं कॉल करूंगी सब आ जाना, सब कुर्ती पहन के रेडी होके मेकअप करके, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जवाबदारी, क्या जवाबदारी, मतलब कंपलसरी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो नहीं करेगी तो लोग उसको उस पोस्ट से हटा देंगे। अब खुशी कॉल नहीं करेगी, कोई और कॉल करेगा, सब तय करने वाली खुशी कौन होती है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे खुशी की कोई गलती थी क्योंकि 4 बजे उसने सबको नीचे बुलाया था कुर्ती पहन के, 10 बजे भी बुलाया था, लेकिन खुशी ने दोनों टाइम किसी को कॉल नहीं किया तो सबका मूड ऑफ हो गया। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, यहां ये वही खुशी है जो सबका मूड ऑफ करती है, तो यहां पे खुशी का ऑब्लिगेशन क्या था, कोई जवाबदारी बनती है, बनती है, उसको कॉल करना था। अब खुशी वो पोस्ट पे नहीं रह सकती, अब आज से कॉल और कोई करेगा। आप समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो ना, ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊं। ऑब्लाइज्ड मतलब उनकी जो जवाबदारी थी वो नहीं बनती है किसी को, वो ऊपर से लीग ऑफ नेशन से कोई रूल आया तो उसको फॉलो करने की, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा?
कोई डाउट है? नहीं है। मैनी नेशंस हैड टू मूव आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, काफी सारे देश लीग ऑफ नेशंस से हट गए। जैसे ये खुशी ऐसा करती है, इसीलिए आयुषी ने बोला अब मैं खुशी का नहीं मानूंगी, मैं खुशी के ग्रुप से निकल रही हूँ, मैं अपना ड्रेस फॉलो करूंगी और अपने हिसाब से नीचे जाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा एंट्री पाड़ने का ऑप्शन है वो तो फेल हो गया, खुशी बुलाती ही नहीं है, मेकअप करके बैठती हूँ, कुर्ती पहन के बैठती हूँ। सोनू ने बोला मैं भी फॉलो नहीं करूंगी, मैं भी हमारे बंगलों में जो गणपति है वहीं पर जाऊँगी, वहीं पर फ्लैक्स करूँगी। यहाँ ये फ्लैक्स वही वर्ड है जो यू हनी सिंह यूज़ करता है, ठीक है ना। तो खुद सोनू ने बोला मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। पूजा ने बोला मैं मेरी चाची के घर पे चली जाऊंगी, यहाँ पे फ्लैक्स नहीं करना मुझे, क्योंकि नीचे वापस खुशी मिल जाएगी, मेरे को उसका मुंह देखना पड़ेगा, वही ऐसे करके करके, ठीक है ना। तो समझ रहे हो आप, है ना, कोई डाउट है? और ये प्रियांशी भी बोले, क्योंकि प्रियांशी को भी वो कॉल करने वाली थी, प्रियांशी बोला मेरे को भी नहीं जाना है, ये मेरे साथ ऐसा करती है जा, ठीक है तो मैं भी हमारी सोसाइटी में जाऊँगी, कोई डाउट है आपको? हिमांशी बोले मैं तो कुर्ती पहनती ही नहीं हूँ, ठीक है तो मैं इसमें आती ही नहीं हूँ, कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है बेटा, समझ रहे हो आप लोग? अब समझ रहे हो ना, मैनी नेशंस हैड मूव्ड लीग ऑफ नेशंस से वो क्यों हट गए, क्योंकि अच्छा नहीं चल रहा था, समझ रहे हो। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप देयर टाइज विथ लीग ऑफ नेशंस, हमने बोला ना जैसे पहले आयुषी निकली फिर सोनू निकली, वैसे देखो आयुषी और सोनू निकल गए बेटा। लेटर बाद में देखता हूं मैं, लेटर इटली एंड जापान, धीरे धीरे मैंने बोला ना सब निकलते गए। लेटर इटली एंड जापान मूव आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर्ड एबिसिनिया, जापान हैड अटैक मंचूरियन राइज, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। जर्मनी हैड स्नैच अवे सम प्रोविंसेस ऑफ जेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया ऑलरेडी पढ़ा हमने एक बार। स्टिल द लीग ऑफ नेशंस कुड डू नथिंग, ये सब हो रहा था, सब मस्ती कर रहे थे पर लीग ऑफ नेशंस कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। हम बोलते हैं ना ग्रीड मतलब लालच ऑफ पावर अमंग्स द सेवरल नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशंस, इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, क्यों बगा से खा रहा है बेटा, ग्रुपिज्म स्टॉप नहीं हो पाया, दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशंस, सॉरी लीग ऑफ नेशंस का ये बहुत बड़ा फेलियर था। मैं तुझे वापस पढ़ा देता हूं बेटा, देखो ये टफ चीजें है, याद करना इसको मुश्किल होता है। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस, पीस की स्थापना करने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस, पीस की स्थापना करने के लिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं पानी पी रहा था बेटा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एस्टैब्लिश पीस, विश्व शांति की स्थापना करने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, समझ रहे हो। बट नीदर, नीदर इट मतलब कौन बेटा, लीग ऑफ नेशंस, कुड इट बिकम अ सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोवरेनिटी ओवर द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब के सबका बाप बनने की जो इच्छा थी उसकी वो नहीं हो पाई, ठीक है। नॉट डिड इट हैव इट्स ओन आर्मी टू मेक द नेशंस फॉलो इट, आप बोले ना वो लीग ऑफ नेशंस किसी को ये नहीं बोल सकता बेटा मस्ती नहीं, समझ रहे हो। मेंबर नेशंस वेर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस, मतलब कोई जवाबदारी नहीं बनती थी, और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाय इट, और अगर लीग ऑफ नेशंस कोई जजमेंट पास करता है तो कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन था ही नहीं। ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन बोलते हैं, कोई डाउट है बेटा? नहीं है। मैनी नेशंस हैड मूव्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, काफी सारे देश ने लीग ऑफ नेशंस से निकल चुके थे। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप देयर टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस, सबसे पहले रशिया और जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस के अपने साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद में इटली एंड जापान मूव्ड आउट बिकॉज इटली हैड कैप्चर्ड एबिसिनिया, जापान हैड अटैक्ड मंचूरिया, जर्मनी हैड स्नैच अवे सम प्रोविंसेस ऑफ चेकोस्लोवाकिया, स्टिल द लीग ऑफ नेशंस कुड डू नथिंग,
ये सब होने के बावजूद लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। द ग्रीड ऑफ फॉर सुपर पावर अमंग सेवरल नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द लीग ऑफ नेशंस, इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म को वो रोक नहीं पाए। दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के अंदर चले जाते हैं बेटा, आपको पता है ना हम अभी तक क्या पढ़े? देख मेरे को सब याद है, फियर्स नेशनलिज्म पढ़े हम, ग्रुपिज्म पढ़े हम, मिलिट्रिज्म पढ़े और हम फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन पढ़े। हम क्या पढ़े? फियर्स नेशनलिज्म पढ़े बेटा, ठीक है। हम क्या पढ़े? ग्रुपिज्म पढ़े हम, मिलिट्रिज्म पढ़े और फेलियर ऑफ एल ऑफ एन, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस। अभी हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। हाँ, ये एक घंटे का वीडियो, बहुत दिनों बाद मैंने कोई वीडियो एक घंटे के ऊपर बनाया है, बहुत दिनों बाद, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो तू पढ़ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है। ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, वर्सालिस की संधि, द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस गॉट इट्स फॉर्म इन द पेरिस पीस प्रोसेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस है, उसका जो स्वरूप था, फॉर्म मतलब क्या, स्वरूप, जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस है उसको अपना स्वरूप मिला पेरिस पीस प्रोसेस के दौरान, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद। सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? जर्मनी। इट हैड टू पे, ये नंबर्स आपके पास पहले ही आ चुके हैं, 6.5 बिलियन पाउंड एज वार फाइन। अगर आप एक चीज को ढंग से पढ़े हो तो दूसरी चीज आपको हमेशा पता चलेगी, और पहली चीज ढंग से नहीं पढ़े तो दूसरी चीज आपको टफ लगेगी। इट्स रूर प्रोविंस, उसका जो रूर प्रोविंस था वो टेकन अवे, वो उससे छीन लिया गया, ये भी स्टोरी आपको पता है। राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी राउट, क्या हमें ये नहीं पता है? ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके ये सब। थस सच एन अनफेयर एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वॉज फोर्सिबली इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, जर्मनी के ऊपर ये फोर्स की गई, ठीक है। द जर्मन डिक्टेटर वर्ड भी मैंने आपको पहले बताया है, एडोल्फ हिटलर कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्सालिस एज अ पीस ऑफ पेपर, क्या, पीस ऑफ पेपर मतलब कागज का एक टुकड़ा मात्र, एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, और उसको रिजेक्ट कर दिया। देयरफॉर पीपल ऑफ जर्मनी वेर एंकरेज टू फाइट वॉर, अंदर से खुश हो गए, हाँ हम तो लड़ेगा साला। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, जापान वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड विद, जापान को भी झुकेगा नहीं साला, पुष्पा की स्टाइल कर रहा है, ठीक है, ये आपकी पुष्पा जनरेशन है। थस ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वॉज अनजस्ट इन टू मैनी नेशंस, दिस ट्रीटी प्लांटेड द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है ना अभी हम क्या पढ़े, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था आपका, है ना, सबसे पहला प्रॉब्लम बेटा भूल गए बेटा? अरे ऐसा नहीं रे, कहाँ पे रिजेक्ट इट, उसके बाद में नई बुक है ये, हमने नई बुक, हाँ ये पुरानी बुक है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना हम क्या पढ़ रहे बेटा, रीजंस पढ़ रहे बेटा। उसमें सबसे पहला है फियर्स नेशनलिज्म, फिर ग्रुपिज्म, फिर मिलिट्रिज्म, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस गॉट इट्स फॉर्म, फॉर्म मतलब उसको अपना स्वरूप कहां पे मिला, पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर मिला, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, उसको 6.5 बिलियन पाउंड वॉर फाइन देना पड़ा, उसकी जो रूर प्रोविंस है, ठीक है, वॉज टेकन अवे, और राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी राउट, थस सच एन अनफेयर एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वॉज, ये जो अनफेयर और ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमानजनक ट्रीटी वॉज फोर्सिबली इम्पोज ऑन जर्मनी के ऊपर लागू की गई। द जर्मन डिक्टेटर एडल्फ हिटलर कॉल द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस एज अ पीस ऑफ, मात्र कागज का एक टुकड़ा है, एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट, कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। देयरफॉर पीपल ऑफ जर्मनी वेर एनकरेज टू फाइट वॉर, जर्मनी के लोग इंकरेज हो गए कि हम लड़ाई करेंगे। ऑन द अदर साइड जापान वॉज डिससेटिस्फाइड विद द ट्रीटी, जापान इस संधि से डिससेटिस्फाइड था, थस ट्रीटी ऑफ वर्सालिस वॉज अनजस्ट टू मैनी नेशन, काफी सारे नेशंस के लिए ये अनजस्ट थी। दिस ट्रीटी प्लांटेड द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडल्फ हिटलर, ठीक है, मुझे भी थकान लगता है, एक डेढ़ घंटे से ज्यादा कंटिन्यूसली बोल बोल करना, पानी
भी एक ही बार सीप मारना नहीं मारना, फिर भी ये दो पॉइंट में खत्म करता हूँ, ठीक है। इम्पीरियलिस्टिक, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके एग्जाम से पहले वीडियो आ जाएगा, और भी जितना पॉसिबल रहेगा मैं करूँगा, ठीक है ना। और वो आपका साइंस का स्टैंडर्ड 9 में, साइंस में जो आखिरी वाला 12 नंबर का चैप्टर है शायद, उसका भी मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट एग्जाम से पहले, ठीक है। इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडल्फ हिटलर, जो एडल्फ हिटलर सर जी थे उनके कुछ इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन थे। हिटलर लेड द फाउंडेशन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा सीड्स अगर किसी ने डाला था तो सर एडल्फ हिटलर थे। ही हैड अ फियर्स नेशनलिस्टिक नेशनलिस्ट एंड मिलिट्रिस्ट नेचर, उसका बहुत खतरनाक नेचर था, एक तो राष्ट्रीय था बहुत खतरनाक और मिलिट्रिस्ट नेचर था। दैट इज वाई ही विज द यूनिटी स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ जर्मनी एट एनी कॉस्ट, जर्मनी की यूनिटी स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी कोई भी कीमत पे चाहिए थी। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज इंपीरियलिज्म वॉज ऑस्ट्रिया, अलॉन्ग विथ जर्मन आर्मी ही एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया ऑन 12 मार्च 1938, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन म्यूनिच कन्वेंशन, मतलब म्यूनिक में सब मिले थे, कन्वेंशन था, जर्मनी हैड कैप्चर्ड चेकोस्लोवेकिया 1 अक्टूबर 1938, ठीक है ना, उसी देश, गांधी जी के बर्थडे के अगले दिन। आफ्टर दैट इट हैड कैप्चर्ड द मैमल पोर्ट ऑफ लिथुआनिया, ये सब देश पहले आ चुके हैं, कोरिलेट कर देना, मार्च 39। थस अ ग्रांड जर्मन नेशन वॉज क्रिएटेड बाई हिटलर, हिटलर ने एक बहुत बड़ा जर्मन देश क्रिएट किया। हिज इंपीरियलिस्ट पॉलिसी वॉज द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो एक बार आ चुकी है, हम फास्ट फास्ट जाके इसको ख़त्म करते हैं। जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, मतलब ये दूसरे आखिरी वाले जो दो है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, इसके बारे में हमें सब पता था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर, इसमें भी आप बहुत कुछ जानते हो। जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, एंड वापस ये भी जर्मनी के लिए है। द अबव मेंशन कॉजेज हैड मेड द होल वर्ल्ड टू सीट ऑन द हीप ऑफ एम्युनिशंस, हीप मतलब डगला, हीप मतलब डगला, हथियारों की बारूद के ढेर पे बैठा था। हम बोलते हैं ना हथियार नहीं बारूद, देखो आर्म्स होते हैं उसको हथियार बोलते हैं, आर्म्स का एक एग्जाम्पल है गन, ठीक है, और एम्यूनिशन मतलब क्या, एम्यूनिशन मतलब उसके अंदर की गोली, कोई डाउट है बेटा? तो बारूद के ढेर पे बैठा था, किसके ऊपर बैठा था, बारूद के ढेर पर, अ स्मॉल स्पार्क, और बारूद का ढेर है उसके अंदर छोटा सा स्पार्क लग जाए, कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड, समझ रहे हो। एंड दिस स्पार्क वॉज जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड, पोलैंड शांति देश था, शांत देश था, उसके ऊपर जर्मन ने अटैक कर दिया September 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। ये 11 महीने बाद जो 1938 ऊपर एक था, एक अक्टूबर वाला दिन था, देख लो ऊपर, उसके एग्जैक्ट 11 महीने बाद है, समझ रहे हो ना, पढ़ना कहाँ आता है तुमको। थस वर्ल्ड वॉर टू हैड बिगन, ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉर्न जर्मनी टू स्टॉप द वॉर इमीडिएटली, बट जर्मनी इग्नोर द वार्निंग, हैंस ब्रिटेन एंड फ्रांस प्लंज इन टू दिस वॉर, ब्रिटेन और फ्रांस इसके वॉर्स के अंदर घुस गए, कंसिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। यस गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।